ये जो कार आप मेरे पीछे देख रहे हो ये रणवीर सिंह के पास भी है और कार्तिक सब चीजें इसके अंदर एटीएम वगैरह आ तो बुरा हाल हो जाता। किस्मत अच्छी थी किसी की नजर नहीं गई यहाँ वरना उठा के ले जाते। मैंने बहुत सुना है यहाँ पे वैसे भी उल्टे सीधे काम होते हैं। और पार्टी के बीचों बीच यहाँ पे एकदम से पुलिस की रेड पड़ जाती है और पुलिस की रेड के बाद सब सामान उठा रहे इधर उधर, सब डर गए, सब भाग रहे हैं। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? तो अभी हम हैं दिल्ली एयरपोर्ट में और थाईलैंड के बाद मैं थोड़े दिनों के बाद घूमने जा रहा हूँ, मतलब 6 से 7 दिन हो गए होंगे। अभी मैं जा रहा हूँ वियतनाम घूमने अपने 2 घनिष्ठ मित्रों के साथ। ये सन्नी और ये आशु भाई, इनका जन्मदिन आज, जन्मदिन मुबारक हो भाई। थैंक यू। कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ पार्टी चाहिए। और अभी खाने के लिए मंगाया हमने सब्वे का बर्गर और ये डोसा है और यहाँ पे बैठे हम फूड कोर्ट में। और अभी हमारी फ्लाइट है होचीमी, है ना? होचीमी सिटी है ना? होचीमी वियतनाम, होचीमी मुझे बोलना नहीं आता, ठीक है? तो वियतनाम जा रहे हम और अभी रात के बजे हुए हैं, मतलब 12 बजे की फ्लाइट है हमारी। 10:30 बज रहे हैं अभी और फिर हम 4 घंटे में पहुँच जाएंगे। जब हम वहाँ पहुँचेंगे मतलब तो वहाँ पर टाइम हो रखा होगा सुबह के छः बजे रखे होंगे, मतलब 2 घंटे आ गया वो इंडिया से। तो वहाँ पे जाते हैं और आपको दिखाते हैं फर्स्ट क्लास। इतनी प्रॉब्लम हो गई फ्लाइट में, 1 गिलास इन्होंने पानी पीने के लिए दिया फ्री में, उसके बाद हमारे पास इनके वाली करेंसी नहीं थी और प्यासे प्यासे वापस आए और 350 रुपये मांग रहे थे 1 गिलास के, सिर्फ पानी के। यार बहुत गंदा एक्सपीरियंस था सच में यार। पानी तो फ्री में पिलाई देते कम से कम, फ्री में भी नहीं तो 350 रुपये का आधा गिलास पानी यार। तो फाइनली अब हम निकाल लेते हैं अपने पैसे। दोस्तों पैसे निकलवाए और 2.5 लाख रुपए की सिम ली अभी दीदी से हमने। यहाँ पे देखे ये रेट देखिए, 2.5 लाख 3 लाख ये वो दे दिए, 2.5 लाख 3 लाख रुपए हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख और ये बाकी कितने हमारे पास? 60 लाख है। इतने में तो प्लॉट आ जाएगा भैया, हमने पासपोर्ट देना बस। ये जी दिस वन। तो दोस्तों कैब के अंदर हम बैठ गए और यहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्राइव है और जितने भी कंट्रीज में गया हूँ मैं आज तक मुझे राइट हैंड ड्राइव ही दिखा जैसे हमारे इंडिया में होता है। कौन सी देख, मॉर्निंग देख, वो इको स्पोर्ट जा रही है सामने गाड़ी हो रही अपनी जैसे, देखिए कौन सी है, टोयोटा। टोयोटा की गाड़ी बहुत प्रेफर करते हैं, एक और टोयोटा। आपको बताता हूँ ये कैब कितने में बुक हुई है, मतलब यहाँ से 6 किलोमीटर है हमारा होटल और ये हमारी हुई है 1,30,000 में, मतलब 1,30,000 डोंग रुपए नहीं। तो अगर हम अपने रुपए से ऐसे कन्वर्ट करें कि कितना बैठेगा हमारे इंडियन रुपीस, तो ये 300-400 के बीच में बैठेगा, मतलब 293 है ना, 293 है। मतलब जितना मैं आपको डोंग बताता रहा ना उसे डिवाइडेड बाई 293 करोगे तो अपना पैसा निकल के आ जाएगा। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। अभी अभी मैं हमने मतलब हमने निकलवाए हैं 60 लाख रुपए निकलवा लिए होंगे हमने, 60 लाख डोंग। देखो ऐसे बार बार मुंह से रुपए निकल रहे। भाई हम अपनी कैब से फटाफट उतर के आ गए और पहले पानी वानी ले लेते हैं, मतलब पानी भी नहीं पिया था, इतनी गंदी वो थी ना यार फ्लाइट की, मतलब पानी का गिलास भी हमें 300 रुपये का दे रहे थे अपने इंडियन रुपीज में, कह रहे कि एक फ्री में और ये। तो अभी ये पानी की बोतल यहाँ से ले लेता है और कुछ पेप्सी वेप्सी भी उठा लेते हैं यहाँ से और सिम भी लेना इनके लिए, मैंने तो ले लिया अपना। बारिश पड़ रही है दोस्तों यहाँ पे, बहुत झमझमाहट बारिश। और अभी हम होटल के अंदर घुस रहे हैं, अपने नींद आ रखी है भयंकर वाली, पूरी रात से सोई नहीं। हमें बड़ा सही लग रहा है होटल दिखने में, तो अब देखते हैं अंदर जाके कैसा, पता तो लगता नहीं। ऑनलाइन जब करते हैं कमरे कमरे दिखाते हैं, साफ वाले कमरे दिखा देते हैं, देखते हैं पास से कैसा। हेलो हाय दोस्तों, क्या हाल चाल है? तो यार वो तो हम ना थक गए थे उस दिन आके और आज हम उठे अपना कॉफी वॉफी पी के तैयार हैं हम। और अभी हम बुईविन में, बुईविन है ना इस जगह का नाम? हाँ बुईविन में। ये ना मतलब यहाँ पे पार्टी प्लेसेस है ज्यादा और घूमने फिरने की है, मार्केट वार्केट है, तो हम यहाँ पे रुके हुए हैं, हमारा होटल है। और अभी कैमरा वैमरा मेरा हाथ में देख रहे हो, आप ट्राईपॉड देख रहे हो, मैं अपनी शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ। यहाँ पे सब चीज़ें करनी पड़ती है, घूमना इतनी आसान नहीं है कि घूमते घूमते रहो, ब्लॉगिंग भी ये भी ठीक है, अपना काम है, अपने काम से हमेशा प्यार होना चाहिए। तो मैं आपको नज़ारे दिखाता हूँ यहाँ के और यहाँ के बाद हम जाएंगे घूमने, हम घूमने जाएंगे अभी आसपास स्ट्रीट पे। मैं आपको दिखाता हूँ वियतनाम में और क्या क्या है सुंदर सुंदर जगहें घूमने के लिए अगर आप यहाँ पे आते हो। होचीमी सिटी आते हो, ठीक है? ये रूफ बार है यहाँ पे, तो अभी ये बना नहीं हुआ है, ये हमारे होटल की बिल्कुल छत के ऊपर हो इस टाइम में। और अभी हमने ड्रोन शॉट भी लिया था यहाँ से, बड़ा प्यारा मस्त प्यार। तो ये देखिए यहाँ पे कितने प्यारे नज़ारे आ रहे हैं, वाह, एकदम खूबसूरती का एहसास लेते हुए हम। बट एक बात है यार, अभी मतलब खाने में थोड़ी बहुत तो दिक्कत हो रही है यहाँ पे, होते तो खाना
थोड़ा सा महंगा भी है, बट जब हम ग्रैब वगैरह से ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो तीन बंदों का खाना हमें पड़ गया 800-900 रुपए का, पड़ गया था, थाली मंगा ली थी, बट वो टेस्ट नहीं आ पाता जब आप बाहर जाते हो। तो यहाँ पे ना ज़्यादातर सी फूड है, वो झींगे वगैरह, वो क्रैब्स, उल्टी सीधी चीज़ें हैं। और यहाँ बोलते हैं कि डॉग्स को भी खाते हैं, कुत्ते खा जाते हैं, मतलब भाई सोच भी नहीं सकते। और देखो भाई, ये इंसान जी रहे हैं ऐसी, ऑक्टोपस वगैरह खा रहे हैं, उल्टी सीधी चीज़ें। तो ठीक है, अभी चलते हैं, नीचे जा रहे हैं, वीडियोज़ बन चुकी है शॉर्ट वाली, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे घूमने की जगह। अभी हमने खुद भी नहीं देखा है, गूगल मैप्स में 4-5 चीज़ें निकाली हैं, पर वो इंटरेस्टिंग जगह है, उनकी रेटिंग्स मिली है तगड़ी। तो आइए दोस्तों चलें। किस तरफ जाना है ब्रो? चलो 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 चलो। तो अभी हम हैं बुईवन स्ट्रीट और अभी जा रहे हैं मैकडी, क्योंकि आज सुबह बस थोड़ा सा खाना खाया था, इंडियन खाना, लेट ही उठे थे। और चश्मे वश्मा कैसा लग रहा है भाई, बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। हाँ हाँ, ये देखिए टैटू बन रहे हैं यहाँ पे, ये भैया बनवा रहे हैं टैटू। रोड क्रॉस करनी थोड़ी सी मुश्किल हो तेरी बाइक बहुत है। हाँ, इस तरफ से ये रास्ता। हाँ, ये देखिए सी फूड है यहाँ पे, ये चिकन विकन है, मतलब वेजिटेरियन थोड़े कम ऑप्शन है यहाँ पे, थोड़े क्या बहुत ही ज्यादा कम है। इधर ये जैसा अपने यहाँ पे 24/7 होता है, वैसे यहाँ पे बीच बीच में से बना हुआ है। यार मैं जब भी आता हूँ ना इधर सी फूड की तरफ, मतलब जब मुझे स्मेल आती है ऐसा लगता है कि वॉमिटिंग हो जाएगी। है ना, तेरे साथ भी होता होगा ऐसे ही? मेरे साथ तो होता ही। हाँ, कल हम बैठे हुए और हमारे साइड में एक लड़की ऑक्टोपस खा रही, वो इतना बुरा हो गया ना। यहाँ पे वेजिटेरियन फूड थोड़ा सा महंगा है, हल्का सा महंगा। ये साइड वाले भाई साहब करके जा रहे हैं। हाँ, समझ तो आ नहीं रही मेरी लैंग्वेज। ये तंग गलियां यहाँ पे, ये लॉन्ड्री है यहाँ पे, तंग गलियां बंद दरवाजे, सच में ये गाना बिल्कुल सूट हो गया इधर। ये होटल है भाई जी, ये छोटे छोटे होटल यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, मतलब आप 500 रुपये एक दिन का हॉस्टल का भी ले सकते हैं, 2000 के भी ले सकते हैं, 1000 के भी ले सकते हैं एक दिन के हिसाब से, मतलब वो आपके जेब पे डिपेंड करता है। ये शहर हर एक इंसान के लिए बना हुआ है। अरे बर्गर किंग में खाए क्या? बर्गर किंग में भी टेस्टी है, चलो मैकडी चल रहा था। ये पार्क है इनका, यहाँ पे बंदे घूम रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह इधर सब। देख के थोड़ा देख के समझ गए, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यार ये पार्क, और साफ सुथरा है। यहाँ पे सारे अपनी हेल्थ का ख्याल रखने वाले लोग हैं, और यहाँ पे मशीन्स लगी हुई है, जैसे हमारे पार्कों में भी लगी रहती है ऐसी मशीन्स, यहाँ पे भी है। हाँ सेम ही है, थोड़ा सा कलर चेंज है। ये देखिए क्या स्टाइल मार रहे हैं भाई साहब एक्सरसाइज कर दो। ओ ये भाई, ऐसा बैडमिंटन हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पैरों से चल रहा है, सही है, इनके पैसे बच रहे हैं। वाह, लेगमिंटन ये फर्स्ट टाइम देखा भाई। ये टॉयलेट है यहाँ पे और ये फ्री है, इधर मैन है इधर फी है। अरे वो हाँ इधर लड़की है, पर उल्टा लिख रखा है ना उन्होंने ना। ये देखिए यहाँ पे कितनी ज्यादा स्कूटी, ज्यादा लोगों के पास स्कूटी है यहाँ पे। या KFC चल लो, मैकडी नहीं मिल रहा। तो KFC के मेन्यू में तो सारा वही चिकन प्रॉन्स वगैरह था, अभी मैकडी जाना पड़ेगा, वहाँ मिला तो ठीक है। यार बड़ी दिक्कत है, मतलब मेन्यू डिसाइड होता है KFC मैकडी का कंट्री टू कंट्री, जहाँ पे आप रह रहे हो, मसाले वगैरह सारी चीज़, सॉस से लेकर सब चीज़।
ये मैकडोनल्ड्स में हैलोवीन अभी सेलिब्रेट हुआ था तो ये सारे ये लगे हुए हैं यार। काश यहाँ तो वेजिटेरियन मिल जाए भाई। सुंदर सा बना रखा है इन्होंने मैकडोनल्ड्स, देखे कितना प्यारा सा लग रहा है। हैप्पी बर्थडे है किसी का। इंग्लिश 18 ये देखिए यार क्या बेहतरीन गाड़ियां खड़ी हुई यहाँ पर। वाह ये जो कार आप मेरे पीछे देख रहे हो ये रणवीर सिंह के पास भी है और कार्तिक आर्यन के पास भी है, ये वाली लैम्बोर्गिनी। और भाई ये वाली गाड़ियाँ है तो मैंने GTA Vice City में चलाई है, चला लेंगे एक दिन। सनी ब्रो क्या हो रहा है, हम ही खड़े हैं। क्या नॉन वेज की वजह से दिमाग खराब हो गया, इनका वेज नहीं मिलना ना बेचारों को, भूख के घूम रहे हैं जब से। अभी खड़े हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो अगर आपको यहाँ पे मसाज लेना है, स्पा लेना है, यहाँ पे ये रेट है। ये जो आप सामने देख रहे हो रेट, इसे डिवाइड करना है आपको किससे, 293 से। 220 के हैं ये, मतलब 220,000 रुपये 293 से करना, तो इतने मसाज के रेट है यहाँ। रोड क्रॉस करने में बड़ी दिक्कत है यार यहाँ पे, इतनी छोटी छोटी सी, मतलब ये स्कूटी लिए फिर रहे हैं यहाँ पे, गाड़ी हो तो दिख जाती है और एकदम से कहीं भी सांप की तरह निकल के आ जाते हैं कहीं से भी घूम फिर के। अभी तो ये रोड खाली है और 2 घंटे बाद मैं आपको यहाँ का माहौल दिखाता हूँ, बिल्कुल चेंज हो चुका होगा। दिस इज बुईवेन स्ट्रीट, स्पेलिंग बताओ। तो ये मेरी वॉच का टेम्पर भी उतरा हुआ है और सामने है दुकान, चलो पूछते हैं यहाँ पे रेट कितना है इसके। Do you have the tempered gloves of this? And what's the price? तो भाई ये कवर की लोकल दुकान पे आ गए हम, ये देखो सामने आ रहा हूँ। और यहाँ पे बिल्कुल थोक की मार्केट में मिलता है, मतलब थोक में सामान मिलता है यहाँ पे। और ये भैया है यहाँ पे और 136 रुपए का लग रहा है। उस दुकान से तो मैं चले आया यार, वो बड़ा महंगा मिलता था, 600 रुपए का टेम्पर्ड, तो यहाँ पे सस्ता है टेम्पर्ड फिर भी। यहाँ खाना कुछ भाई ऐसा है, देख लो प्रिपेयर हो गया ना पहले। ये ऑक्टोपस है, ये देखो क्या क्या रखे हुए हैं, लॉबस्टर, केकड़े, आए है उल्टी आ रही है, भागो यहाँ से यार। अभी हम खाने का वेट कर रहे हैं, उसके बाद जाएंगे हम थोड़ा घूमने फिरने। अरे 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 कितने क्यूट बच्चे आ रहे हैं, एक छोटी सी कितनी क्यूट बच्ची है। आई पिक जर्मनी, आई पिक जर्मनी। ओ ले लिए किमची ने पैसे, कितनी क्यूट है। क्यूट किमची, व्हाट्स हर एज, एज बाय, हाउ ओल्ड शी इज, 1 ओके किमची बाय। सामने होटल तो यहाँ पे है, तो ये पूरी जगह घूम का। ओह माय गॉड, थैंक यू इट्स ओके नो वरीज, इट्स इन द फ्रंट। ओके 358,000 का बिल मानी।
हेलो बच्चे बच्चे तो आज तो भाई आप यकीन नहीं करोगे, किस्मत अच्छी थी या जो भी था, मेरा वॉलेट ये यहाँ पे पड़ा था यहाँ पे, और हम चले गए अंदर 3 घंटे तक होटल में और ये यहाँ पड़ा रहा नीचे। भाई सारे पैसे, ड्राइविंग लाइसेंस, सब चीजें इसके अंदर, एटीएम वगैरह, आज तो बुरा हाल हो जाता। किस्मत अच्छी थी किसी की नजर नहीं गई यहाँ, वरना उठा के ले जाते। मैंने बहुत सुना है यहाँ पे वैसे भी उल्टे सीधे काम होते हैं, चोरी हो रही है। हे भगवान, साईं बाबा धन्यवाद, बचा लिया आपने, आज तो बैंड बज जाती सच में। देखो पीछे भाई पूरी की पूरी पार्टी प्लेस है, इतनी ज़्यादा भीड़ है और किसी की नज़र नहीं गई, बस आज भाई छक्के छूट जाते अपने। हे भगवान बचा लिया। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ का पार्टी माहौल दिखाता हूँ। चलो हमारा पर्स मिल गया, बड़ी खुशी मिल रही है, बड़ी शांति मिल रही है। अभी बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है इस जगह। बाय बाय, टेक केयर। अच्छा काम करा आपने, अच्छा काम करा।
और दोस्तों यहाँ पे पुलिस आ गई एकदम से, रेड टाइप पड़ गई और सारे अपना सामान उठा के अंदर अंदर बांधने लग रहे हैं। सब डर गए, देखो सब जितने भी स्ट्रीट पर सब अपनी कुर्सियाँ उठा रहे हैं। मे बी अंदर ही अंदर अलाउड है पार्टी करना, ऐसे बाहर रोड पर अलाउड नहीं होगा, इस वजह से बाहर से उठा रहे हैं। जैसे अपने यहाँ पे भी कमेटी आ जाती है एकदम से, ऐसे ही होता है। दोस्तों रात के 1 बज चुका है, हम अपने होटल आ चुके हैं और अभी सोने का प्रोग्राम बनाते हैं और कल जाएंगे हम कुची टनल। ये और ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और सबसे ज़्यादा फेमस है यार, मतलब यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है और हमने बुक कर लिया था पहले से ही। एक आदमी का 1500 रुपये हुआ था, मतलब कल मैं आपको सारी बता दूँ, नेक्स्ट व्लॉग में देखना, वो बहुत बढ़िया होने वाला है, एडवेंचरस होने वाला है। टेक केयर, टाटा बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। धन्यवाद।